तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लो भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो अब इनका हो रहा है दिमाग खराब। जी हाँ दोस्तों, जवान को जो पहला सॉन्ग था जिसे 27 जुलाई को आना था, अब हो चुका है पोस्टपोन। कब आएगा अब ये पहला सॉन्ग? क्या इसके साथ ये मूवी को भी पोस्टपोन कर देंगे? फिर ट्रेलर कब निकालेंगे? आखिर ये क्या स्ट्रेटजी चल रहे हैं SRK और उसकी टीम, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जवान से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जवान के मेकर्स ने हाल ही में रिलीज होने वाला सॉन्ग जो 27 जुलाई को आना था, जिसका टाइटल था सूरमा, पोस्टपोन हो चुका है और फैंस को निराश होने पर मजबूर कर रहा है। देखो, SRK के सॉन्ग बहुत धांसू होते हैं, इसलिए सभी लोग उम्मीद लगा के भी बैठते थे। पर अब अचानक ये डिसीजन, देखो किसी ने भी उम्मीद ना करी थी कि ऐसा हो जाएगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था क्योंकि अगर अभी 27 को पहला सॉन्ग रिलीज होता तो अराउंड 12 से 13 अगस्त को सेकंड सॉन्ग रिलीज हो जाता, फिर उसके बाद 25 अगस्त के आसपास ये फाइनल ट्रेलर को रिलीज भी कर देते और 7 सितंबर को तो मूवी रिलीज होनी ही थी। तो ये सब कुछ स्टेप टू स्टेप बढ़िया चल रहा था, एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही थी कहानी। लेकिन अब सब किए धरे पर पानी फिर गया। मेकर्स की तरफ से अपडेट करा गया है कि अगस्त फर्स्ट वीक में फर्स्ट सॉन्ग रिलीज करा जाना है, इट मीन्स अराउंड 2 या 3 अगस्त को रिलीज होगा अब पहला सॉन्ग। तो अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो 18 या 19 अगस्त को ये सेकंड सॉन्ग रिलीज करेंगे, फिर ट्रेलर कब आएगा? अराउंड 13 अगस्त के आसपास। तो फिर किस हिसाब से 7 सितंबर को मूवी रिलीज कर देंगे? क्योंकि एक अच्छी ऑडियंस और पब्लिक कलेक्ट करनी है तो कम से कम ट्रेलर के बाद 15 दिन का गैप तो होना ही चाहिए। फिर चाहे आप SRK ही क्यों ना हो, पब्लिक पर आपकी पकड़ हो सकती है, लेकिन ये ट्रेडमार्क्स पर नहीं। जो स्ट्रेटजी एक चलनी चाहिए सिस्टमैटिक वे पर, उस पर नहीं। तो एक प्रिडिक्शन ये भी निकाल रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है मे बी मूवी रिलीज डेट भी पोस्टपोन ना हो जाए। और अगर एक बार फिर ऐसा हो गया तो फैंस माफ नहीं करेंगे इस बार तो, क्योंकि फैंस पब्लिक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है जवान मूवी रिलीज होने का काफी लंबे समय से। तो ऐसे में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मूवी को एक बार के लिए। बाकी सॉन्ग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है मूवी की ग्रोथ में। वो कैसे? देखो, अगर रिलीज टाइम से पहले ही सॉन्ग्स को रिलीज कर दिया जाएगा तो एक बार के लिए मूवी प्रमोशन का काम करते हैं, लेकिन टाइम से रिलीज करेंगे तब ना। जैसे गदर 2 के 2 सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं अभी तक अपने रिलीज टाइम से पहले, एक उड़जा काले कामा रिक्रिएट वर्जन और खैरियत सॉन्ग। और दोनों ही सॉन्ग्स को इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक से, बहुत ज्यादा। और इन दोनों सॉन्ग्स ने गदर 2 मूवी रिलीज के लिए बहुत अच्छा हाइप सेट कर दिया है, नो डाउट। तो यही चीज SRK को भी करनी चाहिए अगर जवान मूवी को अच्छी ग्रोथ देनी है तब। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी को जवान के बारे में अभी पता है, कुछ लोग अभी भी नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं रहते, लेकिन सॉन्ग हर कोई सुन लेता है। तो यस, सॉन्ग्स के माध्यम से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मूवी को मिल ही जाता है। बाकी उम्मीद है अगस्त के फर्स्ट वीक में जल्दी ही पहला सॉन्ग आए और उम्मीद है कि दोबारा से मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन ना हो। बस आप लोगों का क्या कहना है अगर मूवी फिर से पोस्टपोन हो गई तब? दूसरा, मूवी के लिए आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।